तो गाइस ये हॉल के अंदर का लुक देखो कैसा है यहाँ पर। तो देखो गाइस ये है मिलिया मस्जिद, तो चलो अभी अंदर चलते हैं। और मुस्तफ़ा देखो गाइस यहाँ पर ये फाइनली अभी निकाह हो चुका है शुरू। देखो यहाँ पर तो भी देखो गाइस कितने सारे निकाह देखने के लिए आते हैं, सब लोग अभी जा रहे हैं। देखो यहाँ पर वेलकम बैक टू माई वन व्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं मुस्तफ़ा की कज़िन की शादी में, तो चलो अंदर मैं आपको क्या क्या होने वाला है सब कुछ दिखाता हूँ, तो लेट्स गो इन। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वो हॉल, तो अंदर से एक बार लुक दिखा देता हूँ आपको मैं। तो गाइस ये हॉल के अंदर का लुक देखो कैसा है यहाँ पर। देखो गाइस ये है मिलिया मस्जिद, तो चलो अभी अंदर चलते हैं। अभी नौशे जो है अंदर आ चुका है, तो मैं बोलने के लिए रुका था यहाँ पर बात। एंड देखो यहाँ पर मस्जिद कैसा है, जल्दी से अंदर चलते हैं और पूरा निकाह जो है देख के आते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर निकाह होने वाला है, आपको दिखाता हूँ मैं। चलो मिलिया मस्जिद में आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर निकाह पड़ने वाले हैं, तो चलो अंदर चलते हैं और पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर आज निकाह है मिलिया मस्जिद में। देखो तो गाइस आप सामने नोटिस कर सकते हैं, देखो नौशे वहाँ पर बैठा है हार पहन के। एंड यहाँ पर साइड में सभी देखो छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े लोगों तक कितने सारे लोग यहाँ पर निकाह देख निकले हैं और आने वाले हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। देखो गाइस हमारे सब्सक्राइबर देखो। तो गाइस मस्जिद में देखो अभी यहाँ पर कितने सारे लोग आ गए हैं। देखो तो गाइस फाइनली अभी निकाह हो चुका है शुरू। देखो यहाँ पर من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। तो गाइस फाइनली अभी निकाह पढ़ाना शुरू हो गया है। नौशे बोल रहा है निकाह पढ़ रहा है और लड़की के पापा जो है वो भी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर गाइस फाइनली यहाँ तक निकाह आधा कबूल हो चुका है, तो आगे करने के लिए दुआ पढ़ रहा है। देखो उसके बाद सक्सेसफुली कबूल हो जाएगा। और एक बार अब दुआ पढ़ने टाइम पीछे दिखा देता हूँ, देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं, कितने सारे बैठे हैं, ठहरे हैं और हाई बोल रहा था।
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم تقبل ذلك وامن به نباتا حسنا وبارك فيه بركه واسعه ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. तो गाइस दुआ भी अभी कंप्लीट होने वाला था, तो देखो हुजूर से मिला दिए यहाँ पर। तो फाइनली दुआ भी हो चुका है कंप्लीट, तो अभी खा रहे हैं सब लोग। देखो यहाँ पर हुजूर दोस्तों को भी खिला दिया और मौलाना खुद भी खा लिए। देखो और अभी यहाँ पर एक दूसरे को सबको खिला रहे हैं। देखो हुजूर तो भी देखो गाइस कितने सारे निकाह देखने के लिए आते हैं, सब लोग अभी जा रहे हैं। देखो यहाँ पर और मुस्तफ़ा देखो गाइस यहाँ पर ये उनके समथिंग कजिन है फैमिली की। और हमारे सैंडल्स सभी देखो यहाँ पर ही है। तो गाइस निकाह भी हो चुका है, तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। मुस्तफ़ा भी देखो सामने और नाइल भी हमारा क्लासमेट भी देखो चुड़ा रहा है। देखो मुस्तफ़ा का ड्रेसिंग देखो कैसा है गाइस, आप देख सकते हैं ये बहुत सब कुछ हो चुका है कम्प्लीट। तो अभी मुस्तफ़ा हमें छोड़ रहा है घर वापस, एंड ये कुछ पार्टी बम वगैरह कर रहा है, सभी गाने जा रहा है क्योंकि इनकी शादी है। मैं यहाँ क्या करूँ, पीछे से इशारा करके दिखा रहा है वो। गाइस हम लोग ना यहाँ पर 5 o'clock को आए थे, अभी समथिंग टाइम 6:10 हो रहा है, तो 6:10 को अभी मैं वापस घर को जा रहा हूँ। देखो कल मेन शादी है, मतलब आज मेन शादी हो गई, कल दावत है, देखते हैं कल भी आके वीडियो करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक सामने की तरफ हॉल में यहाँ पर भी शादी हो रहा है। यहाँ पर भी देखो कितने सारे पीपल से भी आए हुए हैं देखो यहाँ पर शादी अटेंड करने। और ये हॉल का नाम है मदीना हॉल। देखो अभी भी यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कैसा लग रहा है देखो ये भाई साहब हॉल के सामने। देखो यहाँ पर कितने ट्रैफिक है, देखो जाने ही नहीं हो रहा था, कैसे कैसे करके अभी हम आए यहाँ पर, फिर भी देखो वहाँ पर कितने ट्रैफिक है। तो गाइस फाइनली देखो मुस्तफ़ा अभी हमें यहाँ तक छोड़ चुका है, चलो अभी यहाँ से चल के जाते हैं। और एक बात बोलता हूँ मैं आपको, देखो अजान भी हो रही है अभी, आप सुन सकते हैं। देखो ये गाड़ी को थोड़ा जाने दो। तो फाइनली वो गुड़गुड़ रिक्शा भी चला गया, एंड देखो अभी अजान की आवाज़ आप सुन सकते हैं। गाइस अभी नमाज भी चलते हैं और ट्यूशन भी है, ट्यूशन में जाना है, 9 बजे ट्यूशन जाना है। अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं। और एक गलती कर दी मैंने, अजान के टाइम ब्लॉक कर रहा था मैं। और है ना वहाँ पर निकाह के टाइम दो लोग आए थे, एक हमारे सकलेन सर थे, हमारे पीटी सर वो भी आए थे शादी में, तो उनसे भी मिल लिया, एंड मेरा क्लासमेट नाइल दोस्त भी आया था तो उससे भी मिल लिया, और बहुत सारे बच्चे थे छोटे छोटे उनसे भी मिल लिया, लेकिन दिखा नहीं सका आपको मैं। निकाह में इतना अर्जेंट था ना, कुछ दिखाई नहीं हुआ। तो गाइस हमारा फाइनली घर भी आ चुका है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं अंदर बैठ के घर में, पानी भी नहीं पीते हैं, एंड जाते हैं सीधा अभी नमाज को। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था घर में बैठ के, तो चलो जल्दी से मस्जिद चलते हैं और नमाज़ पढ़ के आते हैं। और गाइस बातों बातों में फाइनली हम पहुँच चुके हैं मस्जिद देखो, तो चलो अभी नमाज़ पढ़ के आते हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं देखो अंदर मस्जिद कैसा है। तो गाइस नमाज़ मेरा कम्प्लीट हो चुका है पढ़ के, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो चलो थोड़ा सा बैठते हैं एडिटिंग करते हैं इस ब्लॉग को। मैं बात ये बोलने वाला था, चंद्रयान 3 जो है इंडिया का जाके मून में लैंड कर चुका है, वर्ल्ड कप 4 ये सैटेलाइट है, वहाँ पर चांद में लैंड हुआ हुआ। एंड गाइस ये जो है ना इंडिया की बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चंद्रयान जो है लैंड हो गया है। और गाइस मैं शादी से जब वापस आया ना तभी मेरे को पता चला, स्नैप देखा मैं किसी का, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ लिखे था, तो उससे पता चल गया मेरे को। एंड फिर से गाइस बातों बातों में चंद्रयान के बारे में घर तक हम पहुंच चुके हैं, सिर्फ कुछ ही दूरी में है, एंड अभी फाइनली हम घर भी पहुंच चुके हैं। अभी इस ब्लॉग को एडिट करते हैं, बैठते हैं घर में, उसके बाद फिर 8 o'clock की नमाज को निकलते हैं नमाज़ पढ़ने।